नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। सबसे पहले खबर, मुंबई में टीवी एक्ट्रेस के घर हुई चोरी की। मुंबई की एक पॉश सोसाइटी में चोरों ने आधी रात में जमकर उत्पात मचाया। सोसाइटी में टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया की अभिनेत्री लवली यसन उर्फ परिधि रहती हैं। चोरों ने उनके फ्लैट में लूटपाट की। 8 चोरों के इस गैंग ने रात 3:30 बजे सोसाइटी पर धावा बोला। रात के अंधेरे में 8 चोर। चोरों ने पहले सिक्योरिटी गार्ड को मारा, फिर किया टीवी एक्ट्रेस के घर पर अटैक। टीवी एक्ट्रेस लवली, जिन्हें परिधि के नाम से जाना जाता है, उनके घर को चोरों ने पूरी तरह से तहस तहस कर दिया। देखिए, हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। चोर परिधि के घर से ज्वेलरी और कैश मिलाकर 5 लाख से ज्यादा का सामान चुरा ले गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये चोरी की वारदात हुई, उससे टीवी एक्ट्रेस बेहद डरी हुई है। परिधि ही नहीं, मुंबई रीगल ऑर्किड सोसाइटी में रहने वाला हर शख्स खौफ में है। चोरी की वारदात और चोरों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। चोर देखने में बेहद खौफनाक थे। चोरों ने सिर्फ कच्चा बनियान पहना हुआ था और हाथों में तेज धार हथियार, डंडे और पत्थर लेकर आए थे। जो भी सामने आया, चोरों ने उन पर हमला कर दिया, चाहे वो गार्ड हो या फिर सोसाइटी में रहने वाला कोई भी शख्स। सीरियल साथ निभाना साथिया की एक्ट्रेस परिधि रीगल ऑर्किड सोसाइटी के फ्लैट नंबर 401 में रहती है। कल रात वो घर पर नहीं थी, तभी चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया। I was not at home. मेरी मासी का जन्मदिन है आज, तो मैं उनकी केक कटिंग के लिए, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उनके घर गई हुई थी। तो अराउंड 4:30-4:40 अराउंड मुझे कॉल आया सेक्रेटरी का कि घर पे आपकी चोरी हो चुकी है। और मैं जैसे ही आई तो मुझे पता चला कि वॉचमैन को भी काफी लग चुकी है और मेरे घर से कैश और गोल्ड चोरी हो गया। देवर 7 to 8 पीपल टूगेदर, पूरा उनका एक पूरा एक गैंग था उनका। तो वो पहले ए विंग, सी विंग, सब में दो दो तीन तीन जने वो लोग गए हैं और उन्होंने सब जितने भी विंग्स हैं सबके डोर बाहर से लॉक करके देन दे एंटर इन माई फ्लैट। सीसीटीवी की तस्वीरों में देखिए, रात करीब 3:30 बजे चोर सोसाइटी में दाखिल हुए। इन चोरों ने सबसे पहले फ्लैटों के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। साथ ही एक चोर लंबा डंडा लेकर सीसीटीवी कैमरे को मोड़ने लगा, जिससे कैमरे उन्हें देख नहीं पाए। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने चोरों को देख लिया और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने गार्ड पर ही लोहे की रॉड से अटैक कर दिया, जिससे गार्ड जख्मी हो गया। जिसके बाद चोर बिल्डिंग में दाखिल हो गए। देखिए, लिफ्ट के पास ये चोर दिख रहा है, इसके हाथ में तेज धार हथियार है। ये चोर सीढ़ी के रास्ते ऊपर गया और इसने सभी फ्लैटों के दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए। कुछ देर बाद ये चोर वापस आया और इसके इशारे पर बाकी चोर भी ऊपर चले गए। फिर इन चोरों ने बड़े ही आराम से एक्ट्रेस परिधि के फ्लैट नंबर 401 का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसकर लूटपाट शुरू कर दी। रीगल आर्किड बिल्डिंग के अंदर कुछ अज्ञात चोरों ने अचानक एक साथ धावा बोल कई घरों में लूटमार मचानी शुरू कर दी। ये तकरीबन 7 से 8 लोग बताए जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने तकरीबन 3 विंग है, ए, बी और सी, सबके अंदर दो दो लोग अंदर चले गए। उसके बाद में जो लॉक्स थे वो बाहर से बंद कर दिए, साथ ही साथ जिस घर में बाहर लॉक लगे थे उसके लॉक्स तोड़ना शुरू कर दिए। आप ये देख सकते हैं, ये लॉक टूटा हुआ है जो कि एक सेलिब्रिटी लवी साशुन का है, जो परी के नाम से काफी मशहूर है। उनके घर में आकर के उन्होंने लूटपाट की। तकरीबन 5 लाख से ज्यादा माल जो है, कैश और सोना जो है, वो यहाँ से लूट करके भाग गए। इस बीच गार्ड ने शोर मचाया, दूसरे गार्ड को उठाया, आसपास के लोगों को बुलाया। तभी एक गाड़ी भी सोसाइटी के गेट पर रुकी। उस वक्त सुबह के 4:16 हो रहे थे। चोर इतने खौफनाक थे कि उनके डर से लोग बाहर खड़े रहे और चोर बेखौफ होकर परिधि के घर में लूटपाट करते रहे। शोर सुनकर फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले शमीम बाहर आए। चोर इनके फ्लैट का दरवाजा लॉक नहीं कर पाए थे, लेकिन तभी चोरों ने इन पर अटैक कर दिया। आवाज सुनकर मैं मतलब घर का दरवाजा खोला, तो घर का दरवाजा खोलते ही जो है ना, हमारे ऊपर हमला हो गया। सबके कड़ी बंद कर दिए थे, तो फिर पत्थर से मारना शुरू कर दिया। तो पत्थर से जब मारा तो मैंने हाथ तो ऐसा रोकने की कोशिश किया, तो मेरे ये हाथ में उनका पत्थर लगा। मेरे नजर में वो 4 जन थे उस टाइम मेरे सामने, बाकी और कहीं और रहेंगे तो मुझे पता नहीं। माहौल था बहुत दहशत वाला माहौल था। हाथ में जो है ना वो डंडे मतलब रॉड लिए हुए थे, छुरी लिए हुए थे, पत्थर लिए हुए थे और मुंह बंधा हुआ था। कुछ लाल कपड़े में थे, कुछ व्हाइट कपड़े में थे। तो मारना चालू कर दिया, तो फिर मैं घबरा के जो है ना घर के अंदर घुस गया। पूरी सोसाइटी में चोर परिधि के घर को ही निशाना बना पाए, क्योंकि परिधि उस वक्त घर पर नहीं थी।
लोगों के मुताबिक ये खतरनाक चोरों का गैंग है जो 2013 में भी इस सोसाइटी में चोरी कर चुका है। इस गैंग के चोर वारदात के वक्त कच्छा बनियान में आते हैं, साथ ही चेहरे छिपा कर रखते हैं जिससे कि कोई उन्हें पहचान न पाए। इस तरह की गैंग खुलेआम घूम रही है और पुलिस का कहना है कि उसे पहचान करने में काफी वक्त लग सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो उनका चेहरा जो है वो छुपा कर आते हैं। अब ये पुलिस के लिए भी चुनौती है कि आने वाले दिनों में इस तरह की गैंग से वो कैसे निपटे। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ इकबाल ममदानी, इंडिया टीवी, मुंबई।